फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पपीते के अचार की रेसिपी। देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊँगी मैंने किस तरीके से ये बनाया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है ये 1 किलो पपीता, और इसका ऊपर का जो हरा ये छिलका है ये मैंने निकाल दिया है। इसे सारे को अच्छे से छील कर धो लेंगे और उसके बाद इसके पीस कट कर लेंगे। ये देखिए, बीच वाला जो पार्ट है ये भी हमें निकाल देना है, और इस तरीके से पहले इसे बड़े बड़े पीस कर लेने, फिर इनके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं इस तरीके के। ये देखिए देखिए, पीस ज़्यादा बारीक नहीं काटने हैं, क्योंकि हमें 4 से 5 घंटे की इन्हें धूप लगानी है। तो अगर बारीक पीस काटेंगे तो धूप लगने से फिर ये ज़्यादा मुरझा जाएंगे। तब ये देखिए, ये इस तरीके के पीस काट लेने हैं और इन 4 से 5 घंटे धूप में रख देना है। अब देखिए, धूप लगाने के बाद ये इस तरीके के हो गए हैं, इनका सारा पानी ख़त्म हो गया है। तो अब हम सबसे पहले ले लेते हैं मसाले। मसालों में 2 चम्मच ले लिए सौंफ, 2 चम्मच पीली सरसों, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काला नमक, सफ़ेद नमक, 1/2 चम्मच काला नमक और थोड़ी सी हींग, 10 से 12 काली मिर्च, और ये ले ली मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ले लेना है सिरका, 2 चम्मच सिरका लिया है मैंने। ये घर का सिरका आप चाहें तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई। तो सबसे पहले हम अपने मसाले भून लेते हैं। मसाले भूनने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है जीरा, इसके बाद डाल दी है अजवाइन, इसके बाद डाल दी है सौंफ। तो सबसे पहले हम इन तीनों को भून लेंगे, क्योंकि इन्हें भूनने में टाइम ज़्यादा लगता है। मसालों का भी आपको यह ध्यान रखना है कौन से पहले डालने हैं कौन से बाद में, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, हल्का सा ये भुनने लग जाए तो उसके बाद डाल देने हैं हमको इसमें सरसों, मेथी दाना और काली मिर्च। इसे भी अच्छे से चलाते हुए ये हमें धीमी धीमी आंच पर भूनने हैं। अब डाल दिया है हमने लास्ट में इसमें हींग, और अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे। और जब ये भुन जाएगा तो हमें गैस बंद कर देनी है और मसाले को एक ट्रे में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए। ये देखिए, मसाला ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो ये मैं जार में डाल रही हूँ। अब इसका हमें दरदरा मसाला तैयार करना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। तो दरदरा मसाला देखिए मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके का दरदरा मसाला आपको तैयार करना है। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें चढ़ा दूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। कोई भी अचार डालने के लिए सरसों का तेल बेस्ट ऑप्शन होता है। अब जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें अपनी गैस को बंद कर देना है, और सबसे पहले डाल देनी है हल्का तेल, हल्का ठंडा होने के बाद हल्दी, फिर उसके बाद लाल मिर्च, और उसके बाद डाल देना है पपीता। देखिए, अब आपको गैस चलानी नहीं है, गैस बंद पर ही अभी हमें अचार डालना है। और तेज़ तेल में भी आप हल्दी मत डालिएगा, नहीं तो हल्दी जल जाएगी और मसाले का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। पपीता डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब डाल देंगे हम इसमें अपना मसाला। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सिरका। देखिए, सिरका डालने से क्या होगा, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और दूसरा आपका अचार 15 से 20 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, ये अचार हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।